मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 9 यूनिट 4 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 4.1 फैक्टराइज द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 है हमारे पास। इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि तीनों में हमारे क्या चीज़ कॉमन आ रही है, तो तीनों 4 के टेबल से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम 4 को कॉमन ले लेंगे, 4 आ गया कॉमन। अच्छा, अब ब्रैकेट के अंदर क्या है मौजूद रहेगा, यहाँ से जो चीज़ें आएंगी उसको हम यहाँ सॉल्व करते जाएंगे। मैं प्लस की साइन और यहाँ प्लस की साइन इसलिए लगा रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ क्या नंबर आएंगे। 4 देखें, 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। अच्छा, अब इस पे आते हैं, 16 है और 4, ये मैं यहाँ पे जो नए बच्चे हैं उनके लिए कैलकुलेशन लगा रही हूँ, वरना जो पुराने बच्चे हैं जिनको फैक्टराइजेशन आता है उनके लिए कोई मसला नहीं है। देखिए 16 डिवाइडेड बाई 4, इसी तरह ये 24 डिवाइडेड बाई 4, ये दोनों नंबर मैंने लिख दिए। 4 1 4 4 4 16 4 1 4 4 6 24। अब आप देखें यहाँ तो ये फर्स्ट टर्म तो हमने क्लोज्ड कर दी, सेकंड पे 16 4 16 में 4 को डिवाइड किया तो आया 4, ये रहा 4 और ऊपर से आएगा वेरिएबल y। इसी तरह 24 है और 4 है, ये देखें यहाँ हमने सॉल्व किया आया 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 6, ऊपर से वेरिएबल आ जाएगा z, ये है आंसर। अगर हम इसको रिवर्स में देखते हैं 4x, ये देखें 4 4 16 y, 4 6 24 z, यानी ये हमारा आंसर करेक्ट है। अब इसी तरह हम क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। अब इसमें गौर से देखिए आपके पास कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो हमारे पास सेम आ रहे हैं। देखें यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर। अच्छा, गौर से देखें एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ रहा है लेकिन यहाँ पे वाई, इधर वाई है, इधर वाई स्क्वायर है लेकिन यहाँ वाई नहीं, इसलिए वाई कॉमन नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर। अच्छा, जब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया यहाँ कुछ भी नहीं है तो आएगा 1, ये रहा प्लस। अच्छा, यहाँ पे ये वाला प्लस हमने लगा दिया, ठीक है, यानी 1 के बाद वाला प्लस ये रहा, ये वाला प्लस यहाँ, और यहाँ पे हम ब्रैकेट्स क्लोज कर लें। जब हमने इसको कॉमन लिया तो यहाँ 1 था, ये रहा। अब एक्स स्क्वायर बाहर है तो अंदर क्या बचेगा, 3 और वाई, क्योंकि ये तो बाहर जा चुका है 3y। इसी तरह यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाहर मौजूद है तो क्या बचेगा, 4y2z, सिंपल। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 क्वेश्चन में आप देखें, सबसे पहले आपके पास तीनों में क्या चीज़ कॉमन है, 3 6 और 3, यानी तीनों किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 के टेबल से, तो हम इसको बाहर ले सकते हैं, ये लिख दिया हमने 3। पी पी पी, तीनों में पी वेरिएबल मौजूद है, कॉमन ले लिया। क्यू क्यू क्यू, तीनों में क्यू वेरिएबल कॉमन, बाहर आ गया। अब और से देखें 3 पी क्यू, ये तो बाहर है, क्या रिमेनिंग है, आर, ये रहा प्लस की साइन, ये रहा 6 और ये रहा 3। अच्छा, ये देखें मैंने इस वाले 3 को भी इस तरह से सॉल्व कर दिया कि 3 डिवाइडेड बाई 3, ये देखें क्या बचा, 1, तो अब 1 लिखने की ज़रूरत तो नहीं है। अब यहाँ क्या है, 6, ये रहा 6, ये रहा 3, 3 1 3 3 2 6, इसी तरह ये वेरिएबल है, ये वो, ये कॉन्स्टेंट नंबर है, हमारा कोफिशेंट है, तो हमने कोफिशेंट को इसके साथ दिया, यानी 3 1 3 3 1 3। अब हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले जब 6 और 3 को हमने लिया तो आंसर क्या आया था, 2, ये रहा 2, पी क्यू बाहर है तो क्या बच जाएगा, सिर्फ 3, प्लस 3 और 3, ये दोनों यहाँ पे डिवाइड हो गए थे, आंसर क्या आया, 1, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, पी क्यू बाहर है, ये देखें पी क्यू बाहर तो क्या बच जाएगा अंदर, सिर्फ एस, आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 4। अच्छा, 4 में देखें हमारे पास कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 9 और 18, ये दोनों 9 के टेबल से जा रहे हैं। अच्छा, अब देखिए कि इस 9 और इस 18 को हम, क्योंकि ये कॉमन है तो हम यहाँ डिवाइडेड बाय 9 कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 9 9 हमने बाहर ले दिया। अब यहाँ पे क्यू आर सिंगल है और यहाँ क्यू आर स्क्वायरिंग में, तो हम कॉमन ले सकते हैं या ये समझ लें कि दोनों में जो छोटा नंबर है, भाई ये 2 है और ये 1, तो भाई 1 तो कॉमन आ सकता है,
ये क्यू आर दोनों बाहर आ गए। अच्छा, अब एक तो ये हमारी चीज़ कॉमन आ गई। अब दूसरे स्टेप पे आते हैं, ब्रैकेट। आप देखें एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर दोनों में कॉमन है। एक टर्म आपकी ये है, एक टर्म आपकी ये है। इसमें से कॉमन आपने ये ले लिया था, ये देखें इसमें से कॉमन। अब इन दोनों में दोनों चीज़ कॉमन है तो हम इसको यहाँ ले लेंगे एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ये तो बात हो गई हमारी एक, ठीक है, ये हमने कॉमन नंबर्स ले लिए। अब हम आते हैं असल क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देखें ये है नाइन, नाइन हमने बाहर ले लिया था, क्यू आर ये भी बाहर है और ये भी। तो यहाँ क्या बचेगा, इस पूरी टर्म की जगह आ जाएगा वन। यानी अगर इस पूरी टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखें ये पूरी टर्म को वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो यही फिगर वापस आ जाएगी। ये वाला प्लस का साइन ये रहा। अब आप देखें 18। अब देखें जो मैंने आपको यहाँ पहले भी बताया था कि कैंसिलेशन आपने किस तरह की, ये देखें ये 9 था और ये 9, 9 को 9 से कैंसिल किया, क्या आया 1, ये आ गया 1। अब ये क्या 18 और 9 है, ये रहा 18 और 9, 9 वज़र 9, 9 टू ज़र 18। यानी हमने अब यहाँ पे इस 18 की जगह क्या लिखना है, 2। अब गौर से देखें 9 टू ज़र 18, क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर दोनों में से एक एक वेरिएबल बाहर है तो ये रहा, एक एक अंदर आ गया। ये भी आपके पास बाहर मौजूद है, ये देखें कॉमन ले लिया था हमने, दोनों में कॉमन था, कॉमन ले लिया, हमारा आंसर आया ये। अब चाहें तो इसको यहाँ स्टॉप कर दें, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप पे आके सिर्फ ब्रैकेट चेंज कर दें। अब है क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इसके भी डिफरेंट मेथड हैं, जो ईजिएस्ट है मैं आपको वो बता रही हूँ। अच्छा, इन तीनों में से हम चाहें तो तीनों का यहाँ एलसीएम भी है। और एक तरकीब हम ये भी कर सकते हैं कि ईच टर्म मल्टीप्लाइड बाय, अब हम क्या करेंगे, ईच टर्म मल्टीप्लाइड बाय, अब ये तीनों चीज़ें कौन से टेबल से आ रही हैं, 4 से, तो हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं। सही, अब हमने यहाँ सबसे पहले फिगर लिखी जेड स्क्वायर एक्स अपॉन 16 माइनस, थोड़ा सा गैप दे के लिखा है एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये रहा 8, थोड़ा सा गैप दिया यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर जेड 3 और ये रहा 12। अब हम इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई का देखें साइन लगा रहे हैं, और किससे बात कर रहे थे कि हम 4 से, तो यहाँ हम 4 लिख देंगे, यहाँ हमने 4 लिख दिया, यहाँ भी 4 लिख दिया। अब हम इसको करेंगे कैंसिलेशन, यानी 4 वन ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16, इसी तरह 4 वन ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 4 वन ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12। यानी अगर अब हम देखते हैं तो ये सब हमारे एक मिनट के अंदर ये हमारा कैंसिलेशन हो गया। अब रिमेनिंग नंबर क्या आ रहा है, जेड स्क्वायर एक्स अपॉन 4 माइनस, यहाँ पे क्या आ रहा था हमारा, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन 2, ये भी माइनस एज इट इज, एक्स स्क्वायर जेड क्यूब अपॉन कैंसिल होके क्या आया था 3। आंसर, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इसमें देखें क्या चीज़ कॉमन है, ब्रैकेट्स हमारे कॉमन है तो हम यहाँ ब्रैकेट कॉमन ले सकते हैं। यानी अब हमने यहाँ पे क्या कॉमन ले लिया, सबसे पहले तो हम यहाँ थोड़ी सी स्पेस छोड़ के लिख रहे हैं एक्स माइनस वाई, ये तो हमारा कॉमन आ गया तीनों में। अब गौर से देखें यहाँ ए मौजूद है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, यानी हम ए भी कॉमन ले सकते हैं। अच्छा, ए के अलावा कोई और नंबर कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि बी दोनों में तो है लेकिन इसमें नहीं, तो हमने ए को भी कॉमन ले लिया। अब हमारी एक फिगर ये बन गई। अब हम यहाँ पे क्योंकि एक ब्रैकेट पहले से मौजूद है, सेम ना हो जाए इसलिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया। अब आप गौर से देखें ये पूरी फिगर बाहर मौजूद है, अंदर कुछ नहीं, तो ये आएगा 1 माइनस एज इट इज़ ए स्क्वायर, दो में से एक बाहर है, एक अंदर आ जाएगा, बी बाहर नहीं निकाला था, कॉमन नहीं था, बी आ गया, और ये पूरा ब्रैकेट भी कॉमन था, ये रहा। फिर इसके बाद आ जाएगी हमारे पास प्लस की साइन, ए स्क्वायर यानी एक ए बाहर है तो एक ए अंदर बच गया, अब बी स्क्वायर बाहर नहीं तो ये रहा बी स्क्वायर,
और अब आप गौर से देखें x माइनस वाई क्योंकि बाहर था तो ये नहीं आएगा, तो ये हमारा आ गया आंसर।